केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्करे तोयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को यूएपीए एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया है। तलहा सईद इस समय लश्करे तोयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है। बता दें कि हाफिज मोहम्मद सईद को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने एक दिन पहले ही 31 साल की सजा सुनाई है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने भी करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। उसे अमेरिका में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमले का दोषी माना जाता है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि गृह मंत्रालय को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने जांच के बाद यह सूचना दी है कि तहला सईद कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्करे तोयबा के प्रशिक्षण केंद्रों में जाता है और वहां तकरीरें करके वह भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा भारत में जिहाद करने के लिए वह फंडिंग और लोगों को बरगला कर भर्तियां भी कराता है। उसके कई वीडियोस अभी तक सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के हस्ताक्षर के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें तहला हाफिज सईद को आतंकवादी करार दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पिता के कथित तौर पर जेल जाने के बाद वह इस आतंकवादी संगठन की अन्य शाखाएं भी संभाल सकता है। तलहा को 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।